गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ राधिका व्लॉग्स। आपको पता है कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना बाहर, और अच्छी हवा भी चल रही है। मौसम भी बड़ी पलटियां खा रहा है। अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं बाहर बालकनी में हूँ और मज़ा ले रही हूँ हवा का, क्योंकि इतनी गर्मी में अब जाके तो ये हवा चली है, वरना तो हवा ही नहीं चल रही थी। इतनी गर्मी हो रही थी पर अब ठीक लग रहा है कि थैंकफुली। पर कह रहे थे, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि धूप आएगी ही आएगी, क्योंकि ऐसे साइन कुछ वेदर के थे नहीं कि कूलिंग हवा चलती रहेगी, ब्रीजिंग होती रहेगी, तो इसलिए। पर जब तक है, आप देखो मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, पर जब तक है, जब तक वी कैन इन्जॉय, है ना। आप भी इन्जॉय कीजिए मेरे साथ हवा को। आइए चलिए, और कुछ बात जो भी आप करना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं हमेशा आपके लिए आपकी सेवा में तत्पर हूँ। ये अब पेंट कर दिया है गाइस इधर नए घर पे, तो आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये पेंट। अब फाइनल फिनिश है ये जो हो चुका है। ये भी चेंज कर दिया है एलईडी पैनल का, हमने माइका सन माइका जो था वो चेंज कर दिया, क्योंकि पहले वाला डार्क था तो अब हमने लाइट ब्राउन करा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। मैं इसीलिए आपको शो कर रही हूँ कि आप अपने व्यूज़ बता सकें। अभी सफाई नहीं हुई है, सफाई वो करेंगे। अभी सिर्फ उन्होंने दिखाया है मुझे कि हमने पेंट कर दिया है। ये चाय पी रहे हैं, और चाय दे आई थी मैं क्योंकि थक गए थे। इनको भरी दोपहरी में भी चाय दे सकते हैं ये लोग, मतलब चाय कहते हैं कि ये एनर्जी बूस्टर है इनका। ऐसा नहीं है कि इससे गर्मी बढ़ती है। ये एक लास्ट वाली जो लाइट है वो येलो आ गई थी, वो उसको चेंज करेंगे। पर ये लगे हुए हैं अपनी बात करते हैं कि आज फाइनल ऐसा ही ओवरऑल जो लुक आएगा दीवारों का वो ऐसे ही आएगा, पर यह है कि शायद एक कोट और करेंगे, तो उससे देखते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सफाई करेंगे। अभी तो नीचे फर्श जो टाइल है वो बहुत गंदी हो रखी है, पर ठीक है, कर देंगे ये अपने हिसाब से। अभी चाय पी लेने देते हैं इनको। आज काफ़ी दिनों बाद आलू का झोल, आलू की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगती है? मुझे ना काफ़ी दिन हो गए, जैसे ये भंडारे वाली, आहा सो यम्मी, भंडारे वाली जैसी रोटी होती है ना वो अच्छी लगती है, तो आज ये बनाई है मैंने, और इसके साथ अब ये रोटी बना ही रही हूँ, बच्चों को दे दूँगी। सोच रही हूँ आज से रूटीन बनाऊँ कि बच्चों को जल्दी से खिला पिला के सुला दूँ, क्योंकि सुबह उठने में ना इतनी प्रॉब्लम करते हैं ये बच्चे। देखो अब पीछे से क्षितिजा कह रही है मम्मी भूख लग रही है जल्दी खाना दे दो। कल इसकी स्पेलेथॉन है, मतलब जैसे डिक्टेशन टाइप की होती है वैसे, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर रही है, ये पढ़ रही है। मैंने कहा देखो कैसे लेट के पढ़ती है, ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा ये देखो ठीक है ना, अब ये पढ़ लेती है, फिर उसके बाद मैं इसको खाना दे देती हूँ। अभी गाइस ये एसी आ गया है, स्प्लिट एसी, तो इसको भी अभी इधर ही रखवाया है मैंने। कह रही है मुझे तो अभी ओपन करने का मन कर रहा है, तो अभी धीरे धीरे फिर वो गर्मी के लिए ये तो करना ही था ना मेन, तो इधर तो बस टाइम काट रहे थे कूलर वगैरह में। ये इन्वर्टर इधर ही रखवाया है, कल इंस्टॉलेशन वाले को कल या परसों बुलाऊँगी, फिर देखते हैं वो कब का टाइम देते हैं। क्षितिजा और परमार्थ कम यार, आज भी क्षितिजा को काम मिला है। काम तो घर रोज़ ही मिलेगा, होमवर्क तो अब रोज़ मिलेगा, पर इसको जब तक बैठो नहीं ना इसके साथ तो ये काम करती नहीं है। अब फिर बैठना पड़ रहा है, इसको बताना पड़ रहा है, खेल में ही लगी रहती है, खेल के आगे इसको कुछ नहीं नज़र आता। अब नीचे पीछे फ्रेंड्स बन चुके हैं तो उनके साथ वो आ जाते हैं, बेल बजाते हैं, आंटी ले जाएं इसको, अब पढ़ रही है, देखते हैं कब तक पढ़ती है। आराध्या ने ऐसा सोया है, मैंने इसको कहा था कि मच्छरदानी नीचे ही बेड पे लगा लो, जो तुमने गद्दे अपने सेट कर रखे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर मच्छरदानी लगा ली है,
और अच्छा मैं भी घुसूंगी मच्छर, अब सब घुस जाएंगे इसी में। और ये अब पढ़ के बस करना ही शुरू करती है अपना काम। चलो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज, एंड घंटी भी बजा देना। चलो बाय बाय।